इम्पल्स टेक्नोलॉजी, मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो पाइथन के ऊपर है और ये पाइथन का लेक्चर है जिसमें हम आज टपल को डिस्कस करने वाले हैं, यानी टपल डेटा टाइप जो सिक्वेंशियल डेटा टाइप होता है वो क्या होता है और हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, यानी हम टपल डेटा टाइप के बारे में आज जानने वाले हैं। टपल क्या होता है, टपल कैसे वर्क करता है, तो हमने लास्ट सेक्शन मतलब लास्ट जो सिक्वेंशियल डेटा टाइप हैं उनमें हमने स्ट्रिंग को देखा था और हमने लिस्ट को देखा था और हम टपल को देखने वाले हैं। तो आप जो है ये टपल के बारे में जानेंगे। वैसे स्ट्रिंग जो होता है वो स्ट्रिंग जो होता है वो डबल कोट के अंदर होता है, और स्ट्रिंग कोई भी आप कैरेक्टर या नेम हो गया जो आप डबल कोट में लिखते हो वो स्ट्रिंग होता है। यानी कि आप एक वेरिएबल ले रहे हैं str, str एक वेरिएबल नेम है। यहाँ पे मैं अगर कोट के अंदर, यहाँ पे मैं कोट के अंदर अगर 1, 2, 3 भी लिखता हूँ तो ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर आप एक वेरिएबल जो है str2 के अंदर अगर आप कोई नेम लेते हैं तो भी ये क्या है, मैंने नेम लिया है ठीक है, तो भी ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। वैसे ही आप डबल कोट में भी स्टोर करा सकते हैं str3 इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, इट कैन स्टोर नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर ऑल्सो, यानी कि ये क्या कर सकता है, कैरेक्टर और नंबर दोनों को स्टोर कर सकता है। जैसे मैंने लिखा है durgesh दुर्गेश और दुर्गेश 1, 2, 3, ये मैंने नंबर भी स्टोर करा दिया है। तो ये स्ट्रिंग को स्टोर करने का तरीका है जो हमने लास्ट क्लास में देखा है। तो स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग स्टोर करता है, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को विद इन सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड में स्टोर करता है। ऐसे ही हमने लिस्ट डेटा टाइप देखा था। लिस्ट डेटा टाइप में आप लिस्ट टाइप का वेरिएबल बनाते हो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी वैल्यू रखते हो वो एक लिस्ट में स्टोर हो जाता है। लिस्ट बहुत ही बेहतरीन डेटा टाइप माना जाता है क्योंकि लिस्ट में जो है वैल्यू आप स्टोर कराते हैं वो जो है एक तरफ का मतलब कि वो इम्यूटेबल टाइप का होता है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट में क्या होता है कि म्यूटेबिलिटी होती है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी कि अगर आप चाहेंगे लिस्ट में वैल्यू डिलीट करना तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, और जो है आप उसे रिमूव भी करना चाहें या इंसर्ट करना चाहें तो दोनों काम कर सकते हैं। यानी कि जो लिस्ट है li, अगर li में एक वैल्यू स्टोर है, देखते हैं क्या वैल्यू स्टोर है li में, तो हम li को प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे li को जब आप प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि li जो है वो स्टोर किया हुआ है उन वैल्यूज़ का नाम है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये स्टोर करके रखा हुआ, जिसको हम रन करते हैं और देखते हैं li में क्या स्टोर है। फिलहाल ये प्रोग्राम रन कर दिया है मैंने और आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, li में 1, 2, 3, 4, 5 स्टोर हुआ है। अब मैंने li में एक और वैल्यू मुझे इंसर्ट करानी है, यानी एक और वैल्यू मुझे अपेंड कराना है, तो मैं प्रिंट यहाँ पे लिखूँगा, सॉरी मैं li.append मेथड को कॉल करूँगा। append मेथड क्या करता है, ये वैल्यू लिस्ट में ऐड करता है। तो यानी यहाँ पे आप जाएंगे तो वैसे मैंने पिछली क्लास में लिस्ट के सारे मेथड्स को पढ़ाया था, तो यहाँ पे आप अगर कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो मैं 101 ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने लिस्ट में वैल्यू अपेंड कर दी है। अब हम लिस्ट को अगर प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे आपको li जब आप प्रिंट कराओगे तो आपको मिलेगा कि लिस्ट में 101 भी ऐड हो चुका है। तो लिस्ट की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, दैट्स वाई लिस्ट जो है मैं इसे बेस्ट मानता हूँ कि आप लिस्ट में डेटा मॉडिफिकेशन यानी इंसर्शन और डिलीशन, मैं चाहूँ तो 101 को डिलीट भी कर सकता हूँ, तो इसको डिलीट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है li.remove जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो मैं रिमूव करना चाहता हूँ 5 को, तो आप 5 को अगर रिमूव करके इसको प्रिंट कराते हैं print प्रिंट वॉट प्रिंट, तो आप li यानी लिस्ट है उसको आप प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो वैल्यू आपने पास की है रिमूव में यानी 5, वो 5 यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये जो लिस्ट है वो क्या नाम है कि वैल्यू जो है इसमें आप इंसर्ट करा सकते हो और डिलीट करा सकते हो, यानी कि वैल्यू इंसर्ट भी हो जाएगी और डिलीट भी हो जाएगी। दैट्स वाई लिस्ट को हम जो है क्या कहते हैं, ये डायनेमिक टाइप का डेटा टाइप है। क्या है, डायनेमिक नेचर का है कि इसकी वैल्यू जो है रन टाइम पे इंसर्ट और डिलीट यानी मॉडिफाई हो जाएगी।
और एक और भी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है कि वो जो है हम देखेंगे कैसे स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम लिस्ट में आज कन्वर्ट करना देखेंगे। तो यानी एक स्ट्रिंग है जो कि मैंने लिखा है वी ए एल वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू 1 2 3। ये 1 2 3 जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, यानी इसने क्या स्टोर किया हुआ है, तो इसने स्ट्रिंग किया हुआ है प्रिंट। मैं इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है वो क्या स्टोर किए हुए हैं। तो टाइप व्हाट प्रिंट, तो यहाँ पे देख लीजिए वी ए एल मैंने प्रिंट कराया है और वी ए एल किस टाइप का है वो प्रिंट करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि वी ए एल का टाइप जो है वो क्लास एस टी आर, यानी वी ए एल एस टी आर का एक ऑब्जेक्ट टाइप का बिहेव कर रहा है, वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है उसका टाइप बदल जाए और ये लिस्ट टाइप का हो जाए, यानी कि मैं इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो एकदम सिंपल सा एक वे है, आपको सिर्फ लिखना है एक मेथड। तो यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल का नाम है वैर, वैर इक्वल्स टू ई वी ए एल इवेल। इवेल मेथड का काम है कि ये क्या करता है, तो ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो लिस्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। यानी आप एस टी आर यहाँ पास करोगे तो आपको यहाँ पे जो है, सॉरी एस टी आर नहीं है, इसका नाम है वैल। तो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल वैल लिया है और वैल को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो इवेल फंक्शन है वो वैल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे आप लिस्ट का जो टाइप आप प्रिंट कराया है आपने, अगर इसे आप नीचे ला के चेक करेंगे तो आपको लिस्ट का टाइप मिलेगा, यानी जो वैल है वो वैर में आके लिस्ट टाइप हो जाएगा। यानी यहाँ देखना है तो यहाँ पे इवेल मैंने लिखा हुआ है, इवेल एस टी आर, और हमने वैल ही प्रिंट कराया है, हम वैर को प्रिंट कराएंगे क्योंकि हमने वैल्यू बदली है वो वैर में बदली है। और यहाँ पे आप रन कराएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे जो है वो इवेल जो है उसने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है और स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इवेल का इस्तेमाल किया है। तो ये जो है हमारे पास इवेल मेथड है, आप अगर चाहो तो इवेल के थ्रू वैल्यू जो है वो लिस्ट में इनपुट भी करा सकते हो, क्योंकि क्या है कि लिस्ट में अगर इनपुट कराने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट ये एक ब्लैंक लिस्ट है, एक ब्लैंक लिस्ट है, इसमें अगर आप कोई वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे इनपुट, और आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखा है इंटर, इंटर या इनपुट, सॉरी इंटर गलती हो गया, ई एन टी आर, इंटर, इंटर व्हाट इंटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटर नंबर, इंटर नंबर, और मैं एल आई को प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट कराई पी आर आई एन टी प्रिंट एल आई, तो यहाँ पे मैं एल आई को प्रिंट करा रहा हूँ। इसे आप जब रन कराएंगे तो यहाँ देखेंगे कि इनपुट कराने का आपके पास एक मेथड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ इंटर नंबर, तो मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि 1 2 3 प्रिंट हो चुका है। लेकिन क्या 1 2 3 कोई नंबर है, तो हम इसमें एक नंबर जोड़ते हैं, यानी 1 2 3 में मैंने 2 जो ऐड किया है, तो ये 1 2 5 हो जाना चाहिए, लेकिन ये 1 2 3 जो है वो क्या है, तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का है। यानी कि 1 2 3 मैंने यहाँ इनपुट किया है तो वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, और स्ट्रिंग इंटीजर से ऐड नहीं हो सकता है, स्ट्रिंग सिर्फ कॉन्कैटनेट होता है। यानी ये 2 भी स्ट्रिंग टाइप का होता तो ये एरर नहीं आता, लेकिन 2 क्या है, तो वो इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे आप लिस्ट से कभी भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में आपको ये जो इनपुट है उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू जाके ऐड होगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप इवेल फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। इवेल क्या करेगा कि ये जो है आपके स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इंटीजर टाइप का मिलेगा। यानी मैंने 1 2 3 फिर इनपुट कराया है तो यहाँ पे 1 2 3 मिल रहा है, और आप यहाँ पे अगर इसे ऐड भी कराओगे, मैंने 1 ऐड कराया है और आप इसे रन कराओगे, तो आप यहाँ पे 1 2 3 में आप पाओगे कि ये 1 2 1 मैंने ऐड कराया है तो 1 2 4 हो गया। तो इवेल फंक्शन के थ्रू आप लिस्ट की वैल्यूज, मतलब इनपुट जो है, इनपुट फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए होता है, यानी इनपुट में अगर आप कुछ भी इनपुट कराते हैं
तो वो इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग टाइप का होगा, उसे आप किसी भी टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो टाइप लिखते हैं। तो आपको अगर इंटीजर यानी नंबर टाइप में कन्वर्ट करना है, लिस्ट के नंबर टाइप में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ईवल फंक्शन। तो ये था हमारा लिस्ट और उसका ईवल फंक्शन, ईवल फंक्शन का यूज़ और ईवल से कन्वर्ट करना लिस्ट को। अब हमारे पास है टपल डेटा टाइप, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। टपल डेटा टाइप में देखिए क्या होता है, टपल डेटा टाइप की वैल्यू जो है वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो टपल जो है म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है, जिसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती, ये डायनेमिक नेचर का नहीं होता स्ट्रिंग के जैसे कि इसकी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाए, यानी कि आप इसे रिमूव कर सको या वैल्यू अपेंड कर सको, आप ये टपल में नहीं कर सकते। वैसे टपल बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने टीपी नाम का वेरिएबल लिया है और आपने रेगुलर ब्रैकेट लगा दिया और ये आपका टपल टाइप का बन गया। print प्रिंट, किसको प्रिंट कराना है तो टीपी को प्रिंट कराना है और रन करा के देखना है तो यहाँ पे आपको एक टाइप मिलेगा। ये टाइप आपको मिलेगा, ये क्या टाइप मिला, तो टपल टाइप का डेटा मिल रहा है। टीपी को आपने प्रिंट कराया है तो मैंने लिखा टी वाई टी टाइप दिखाओ, किसका टाइप प्रिंट कराना है, तो टीपी का टाइप प्रिंट कराना है और यहाँ पे मैंने रन कराया है तो आपको मिलेगा यहाँ पे आउटपुट के रूप में कि ये किस टाइप का डेटा है, तो ये टपल टाइप का डेटा है। ऐसे ही आप अगर बनाते हो लिस्ट, तो लिस्ट को मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट से, तो ये क्या है, ये एक लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। इसका भी टाइप हम देखते हैं, तो ये एक लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। print प्रिंट, प्रिंट वॉट प्रिंट, तो मैं यहाँ पे लिस्ट मेरी बन चुकी है तो li को प्रिंट कर दो, तो li को मैंने प्रिंट कराया और प्रिंट li का टाइप कराना है, तो टी वाई टी मैं देखूँगा li किस टाइप का डेटा टाइप है, तो ये है लिस्ट टाइप का। तो ये लिस्ट टाइप का डेटा टाइप आपको बना हुआ मिल रहा है, तो यहाँ पे ये लिस्ट है और ये टपल है। बस दोस्तों हम वहाँ पे टपल का इस्तेमाल और वहाँ पे टपल का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे वैल्यू को चेंज नहीं करना है, यानी वैल्यू ना रिमूव हो और ना उसमें इंसर्ट हो। तो वैल्यू मैं अगर ऐसा डेटा टाइप चाहता हूँ जिसमें ना वैल्यू इंसर्ट हो ना रिमूव हो, एक बार बन गया तो बन गया, यानी स्टैटिक नेचर का हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे टपल का। अगर आप चाहते हैं आपके प्रोग्राम में ज़रूरत है ऐसे डेटा टाइप की जिसमें वैल्यू अपेंड और रिमूव हो सके, यानी जुड़ सके और डिलीट हो सके, तो आप इस्तेमाल करेंगे लिस्ट टाइप का। तो मैं एक टपल टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ। टपल का वेरिएबल जो है TPL नाम से मैंने बनाया है। TPL इक्वल्स टू क्या करना है, तो आपको ब्रैकेट लगाना है और यहाँ वैल्यू लिख देनी है 11, 22, 33, 44 and 55। ये जो है वेरिएबल मेरे तैयार हो गए हैं। आपको प्रिंट सिर्फ कराना है, किसको प्रिंट कराना है, तो TPL को प्रिंट कराना है। आप इसे प्रिंट कराएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो वैल्यू है वो प्रिंट हो चुकी है। टपल को लिस्ट के जैसा आप प्रिंट भी करा सकते हैं। TPL ऑफ 3 क्या है, 0, 1, 2 and 3, इसे आप रन कराएंगे तो यहाँ पे आपको जो है आउटपुट में मिलेगा कि टी पी वल ऑफ 3 यानी 44 ये आपका मिल रहा है। तो टपल भी इंडेक्सिंग का इंडेक्सिंग यानी 0, 1, 2 के इंडेक्स में चलता है। और एक और बात है कि टपल तो स्ट्रिंग लिस्ट के जैसा चलता है, लेकिन टपल लिस्ट से फास्ट होता है क्योंकि लिस्ट में बहुत सारे मैथड्स होते हैं, लेकिन टपल में उतने मैथड्स नहीं होते हैं। टपल क्लास के मैथड्स कम होते हैं और टपल में ये सारे फीचर नहीं होते हैं इंसर्ट डिलीशन का। दैट्स वाई टपल जो है वो लाइट वेट का होता है और वो फास्ट होता है लिस्ट से। अब देखिए यहाँ पे टपल के डेटा को अगर आप रिमूव करते हैं, यानी कि मेरा TPL जो है इसको अगर मैं सोचूँ कि इसमें रिमूव कर दूँ, तो रिमूव फंक्शन जो है यहाँ पे काम नहीं करता है। यानी मैं टपल से रिमूव किया 11 को, तो ये टपल जो है वो रिमूव नहीं होगा। यानी इसको आप रन कराएंगे तो आपको एक एरर मैसेज मिलेगा कि ये जो है वो रिमूव नहीं होगा, टाइप टपल ये जो है वो रिमूव एट्रीब्यूट को नहीं रखता है, यानी टपल में ये फंक्शन अवेलेबल है ही नहीं। तो ये जो था हमारा टपल था, तो टपल यानी कि रेगुलर ब्रैकेट में जो भी आप वैल्यू रख दोगे वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी, वो वैल्यू ना दोबारा उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट होगी और ना ही वैल्यू उसकी चेंज होगी, रिमूव होगी। तो ये है टपल। अगर आप टपल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, यानी अगर आप टपल आपने बनाया हुआ है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है TPL नाम से बनाया हुआ है और TPL में मैंने स्टोर कराया है 11, 22, 33 and 44 and 55, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ, यानी इसमें वैल्यू चेंज कर दूँ,
तो आप तो टपल में कतई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टपल स्टैटिक होता है, टपल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, तो हम टपल को लिस्ट टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एक वेरिएबल बनाया लिस्ट। देखिए ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ आपको लिखना है लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन को जैसे ही आप लिखेंगे और उसमें पास कर देंगे TPL, तो ये जो है टपल वो लिस्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे आप प्रिंट करा के देखेंगे, PRINT प्रिंट करा के देखेंगे, तो इसका टाइप जो है आपको मिलेगा किस टाइप का है ये। तो मैं यहाँ पे li को प्रिंट कराता हूँ और यहाँ पे रन कराते हैं, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो टपल है वो किस टाइप का बन गया, लिस्ट टाइप का। यहाँ पे अगर TPL को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि TPL किस टाइप का बन गया है। तो ये जो है TPL यहाँ पे TPL यहाँ पे क्या है, तो वो टपल टाइप का डेटा है, यानी TPL टपल था और TPL की वैल्यू किस टाइप में बदल गई है, तो लिस्ट टाइप में बदल गई है। अब उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, li.append मैंने कर दिया 22, यानी कि अब जो है वैल्यू हमने ऊपर ली है उसको आप अगर प्रिंट कराएंगे तो उसमें आपको 22 ऐड मिलेगा, यानी किसमें, तो li में। इसे रन कराते हैं तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी वो एडेड मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा टपल और लिस्ट का प्रोग्राम, और इसमें एग्जांपल्स जो है यहाँ पे आप, और ये हमने देखा कि कैसे टपल को, टपल में वैल्यू हम अपेंड करेंगे, इन टपल वैल्यू अपेंड कराने के लिए हमको लिस्ट में जाना पड़ेगा। तो ये होल सोल टपल, स्ट्रिंग और लिस्ट, ये सारे के सारे हमारे जो है ये डेटा टाइप हमने इस प्रोग्राम में देखे हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ अगले डेटा टाइप के लिए, अगले प्रोग्राम के लिए, और देखते रहिए पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। थैंक्स फॉर